फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। ये देखो सारे कपड़े धो दिए मैंने। खाली बैठी थी मैं, मेरे से भी नहीं रुका जाता, चला फिरा तो जाता नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो बैठी बैठी मशीन लगा देती हूँ। ये सब मैंने कपड़े धो दिए, कुछ इसके पीछे पड़े हैं, तार हैं, दो तार इसके पीछे आपको दिख रहे होंगे, ये सब मैंने धो दिए हैं। और कुछ अंदर पड़े हैं वो भी मैं दिखाऊंगी। और ये सब यहाँ से क्लीन कर दिया, प्लांट्स में पानी डाल दिया, सब हो गया। और फ्रेंड्स आज ये शूज़ भी धुले हैं, तो ये मैंने धो दिए। सब साफ सुथरा, सुबह सुबह अच्छा लगता है, सुबह साफ हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, बैठने का मन करता है, ठंडी ठंडी हवा आती है। तार भर गया था फ्रेंड्स, फिर मैंने यहाँ डाल दिए कपड़े, कुछ ये पड़े हुए शर्ट्स वगैरह ये सारी डाल दिए। और अब जो है बाकी का काम कंचन संभालेगी, कंचन आज आ गई। अब फ्रेंड्स ये भी मैंने धोए हैं, अभी सारे कपड़े सर्फ में धोए हैं, फिर मशीन में चला के और स्पिन किए हैं सारे। ये पैरों में डालने वाले कपड़े हैं, सारे पोचे रूम के सामने पड़े रहते हैं, ये वही वाले कपड़े। मैंने कहा आज चलो मैं इनको धो देती हूँ सबको, तो सारे ये भी मैंने सब धो दिए हैं। फ्रेंड्स आज ये गुड़िया आई है छोटी सी, हेलो कर दे राधिका, हेलो। ये राधिका है कंचन की बेटी, आज ये आई है नन्ही मेहमान। और कितनी प्यारी प्यारी सी है गुड़िया ये, आज इसकी छुट्टी है तो इसलिए कंचन के साथ आ गई, खेल रही है, फोन चला रही है, और क्या कर रही है? है? कौन सा गेम खेल रही है? घर वाला? क्या होता है घर वाला? अच्छा ये वाला खेल रही है, अच्छा खेल ले। बात कर कुछ, और स्कूल की मैम का नाम बता दे। अच्छा और कौन सी क्लास में है? और तेरे क्लास में कितने बच्चे हैं? 46। अच्छा और मैडम वो क्या क्या सिखाती हैं स्कूल में? जोर से बोल। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, अच्छा SST, ठीक है तो बोल लेती है खूब, है खूब बात कर लेती है तू तो, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, राम राम, सीताराम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? मैं तो यहाँ पर ठीक हूँ, पहले से थोड़ा सा 1-2% ही आराम है, लेकिन फुल आराम तो मुझे नहीं है पैरों में। और आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? अपनी जगह पर सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, और सबको ठीक रहना भी चाहिए, अपना ध्यान रखा करो, खासकर लेडीज़ को मैं बोलती हूँ अपना ध्यान रखना चाहिए। मेरा तो चलो जैसे हो गया, लेकिन आप सब लोग अपना ध्यान रखा करो। और एक बार जो शरीर में अगर कुछ हो जाता है वो परमानेंट ही हो जाता है, आपको पता लग जाए कि अब ये मतलब ऐसे ही साथ चलेगा तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है फ्रेंड्स। अब जैसे मैं हूँ, मेरे साथ जो दिक्कत हो रही है मुझे ही पता है जैसे हो रही है फ्रेंड्स। और अब चलो मैं आगे अभी सुबह का बता देती हूँ कि सुबह हो गई है, काम वाम सारा हो गया है, जो लड़की आई है कंचन उसने निपटा लिया है काम, वो अपना काम कर रही है। मैंने कहा मैं जब तक अपनी यूट्यूब फैमिली से मिल लेती हूँ। और फ्रेंड्स अब दवाइयाँ तो खैर खानी ही पड़ेंगी मुझे, और क्या बताऊँ, अब जैसे किचन का काम खत्म हुआ है तो दूसरा एक बालकनी हमें बनानी है, जो मैं हमेशा बोलती थी, तो उसका काम स्टार्ट हो गया है। तो उसके चक्कर में मैं अभी जो अपनी मेड है उसको मना करती हूँ कि तू दरवाज़ा मत खोला कर, मैं अपने आप खोलूँगी तो मुझे ड्राइंग रूम में ही ना, मैं या तो सोफे पे लेट जाती हूँ, बार बार तो मेरे से उठा नहीं जाता, तो मैं देखती रहती हूँ कौन आया कौन गया, सब बता रहता है उसको। मैं बोलती हूँ कि तू दरवाजा मत खोलना, सिर्फ बता दे मुझे पहले कि
कि कौन आया है, जब खोलना दरवाजा। तो लेबर आती है तो खोल देती है, अगर कोई और आता है तो फिर नहीं खोलती। उसको सख्त ऑर्डर हुआ हुआ है कि तू दरवाजा नहीं खोलेगी। आजकल सेफ्टी भी चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी तो मेरी दवाइयाँ चलेंगी और मैं दवाइयाँ खा ही रही हूँ, और अपॉइंटमेंट मुझे मिल गया है, अगले 2 दिन बाद का मिला है। डॉक्टर के पास मुझे जाना है। और फ्रेंड्स इतनी दिक्कत मुझे हो रही है, मैं क्या बताऊँ। पैर ज़्यादा देर लटका के नहीं बैठ सकती, खड़ी नहीं हो सकती, चल नहीं सकती तेज तेज। नहीं तो मैं इतनी एक्टिव रहती थी, मुझे इतना घूमने फिरने का, घर में एक एक चीज़ मैं सारी संभाल के करना करती रहती थी अपना जैसे भी था, लेकिन अब होता ही नहीं है। अब भी मेरा मन तो करता है कि मैं उठूं, चलूं, करूं, लेकिन नहीं होता फ्रेंड्स। और उस अब तो मैं जो लड़की आई है उसी के सहारे हूँ, उसी के भरोसे हूँ। और वो भी अच्छा है कि मुझे ये लड़की मिल गई है, किसी के थ्रू ठीक ठाक लड़की मिल गई है। अपना करती रहती, लगी रहती है ये भी सारा दिन। और फ्रेंड्स और तो मैं फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, बात करती हूँ आपको। दिन में जो भी काम है, जो हुआ होता है, वो मैं आपको बताऊँगी। आज कितना काम बालकनी का हुआ, कितना क्या हुआ, वो सारा मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और आज ये देखो है कंचन। कंचन कितनी मेहनत करती है, कंचन रोटी बना रही है, फुलके सेक रही है। कंचन आज ये क्या बनाया है तूने? आज इसने बनाया देखो शाही पनीर बनाया, कितना अच्छा पनीर बनाया। ये देखो, ये देख लो शाही पनीर बना दिया आज इसने। ये है शाही पनीर और ये फुलके सेक रही है। और ये है मेरी प्यारी प्यारी बेटी कंचन है। ये बहुत अच्छी लड़की है, अब खाना बना रही है देखो ये। ये मोहन है, बहुत अच्छा लड़का है, इतनी मेहनत करता है। और अब ये बाल्टी लेने आया है, पाइप लेने आया है। बाल्टी ले जाएगा, पाइप ले जाएगा और नीचे जाके मेहनत करेगा। ठीक है बेटा, जा चला जा। तो मैंने मंगाया इतना सारा सामान आज, और घर में सामान चाहिए होता है, कभी कुछ लगा ही रहता है। कल भी थोड़ा सामान आया था, आज भी आया है। इसमें चीनी है, सर्फ है, आटा है, और सूजी है, काले चने, 2-3 विम साबुन रखी है, और यूज़ एंड थ्रो वाले डिस्पोजेबल गिलास हैं, वो भी हैं फ्रेंड्स इसमें। और गार्बेज बैग पड़ा हुआ है, कितना सारा सामान है। और लाइजॉल रखा हुआ है एक, जो फ्लोर क्लीनर होता है, वो तो आप सब जानते ही होंगे। सारी चीज़ें घर में यूज़ करने वाली चीज़ें, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, आता ही रहता है फ्रेंड्स। तो मैं मंगा लेती हूँ एक ही बार में, हफ्ते में एक बार तो इतना सामान आ ही जाता है। कभी कुछ ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ ख़त्म हो जाता है। तो मैं इकट्ठा नहीं मंगा लाती, मैं वीकली ले आती हूँ, जितना ख़त्म होता है उतना मैं मंगा लेती हूँ। ओके फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स मैं फिर आ गई हूँ आपसे मिलने के लिए, और हो गई है शाम। कंचन भी खाना वाना बना के चली गई है, और अब मैं बैठ गई हूँ आपसे बात करने के लिए। फ्रेंड्स अभी लेबर भी चली गई है और सब चले गए, मैं अकेली बैठी हूँ और मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ फ्रेंड्स। और बस बैठी रहती हूँ, अब तो थोड़ा बहुत मन करता है तो घूम लेती हूँ, नहीं तो अपना बैठी रहती हूँ। अब होता तो है नहीं है कुछ, फ़ोन देख लिया, कोई न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कुछ हो और बैठ गई। कभी ड्राइंग रूम में बैठ जाती हूँ, कभी बाहर बैठ जाती हूँ, बस यही है अब तो। थोड़ा बहुत काम कर, काम तो मेरे से होता ही नहीं है, मैं बैठी रहती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में जो मैंने मेरा डेली का रूटीन है मैंने दिखा दिया आपको, और एक छोटी सी बेटी भी दिखाई है, कंचन की बेटी। तो फ्रेंड्स मेरा ये ब्लॉग आपको थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। और अब हमारी जो पीछे की बालकनी बन रही है उसका, जैसे जैसे वो बनेगी तो मैं उसका भी बारे में बताऊंगी आपको। ओके फ्रेंड्स, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।